मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलती है कि दीदी फेशियल हेयर को शेविंग करने से क्या बॉयज जैसे बाल आते हैं मोटा मोटा। देखिए मैं फेशियल हेयर को रिमूव कर रही हूँ, मतलब मैं भी शेविंग ही करती हूँ एंड पिछले 3-4 साल से मैं कर रही हूँ। कभी आपने देखा है मेरी बॉयज जैसा मूछें आ रही है, मूछें आ रही है या फिर बॉयज जैसा बाल उग रही है मेरी फेस पर? ये बस मिथ है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी हेयर उगते हैं ना तो वो मोटा मोटा सा ही लगता है। जैसे आपने कभी हेड शेविंग देखा है बच्चों का, हमारी भी हेड शेविंग हुआ करती थी जब एकदम बच्चे थे हम, तो जब पहली बाल आती है हेड शेविंग के बाद वो तो कांटा कांटा टाइप का ही आता है ना, बाल की यही नेचर है, जब उगते हैं तो कांटा कांटा लगता है। हमारी भी अभी अब हेड शेविंग कर दोगे तो कांटा कांटा बाल ही आएगी मोटा मोटा। फिर वो जब बड़ी हो जाएगी, अभी देखिए ये बाल कांटा कांटा लग रही है, नहीं ना, तो आपकी जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉयज की तरह बाल आएगी मूछे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो आपकी फेशियल हेयर है जहाँ पर भी बॉडी की कोई भी पार्ट की जहाँ पर भी आप यू नो शेविंग करो, उसके बाद जो बाल आएंगे ना वो जो नॉर्मल आपकी हेयर ग्रोथ होती है वही होगा और कुछ दूसरा नहीं होगा। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई कि बॉयज की तरह बाल नहीं आते हैं। नाउ आज मैं आपको अगेन फेशियल हेयर को शेव करके दिखाऊंगी रेजर से। नाउ इससे पहले मैंने जितनी बार भी फेशियल हेयर को शेविंग किया ना, वो मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल यूज कर किया, आप वो भी कर सकते हो। आज पहली बार मैं पाउडर यूज करके फेशियल हेयर को रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहले फेस को आप क्लीन कर लो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पर फेस वॉश यूज कर रही हूँ, सिंपल का ये रिफ्रेशिंग फेस वॉश काफी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो डेली बेसिस पर। मतलब सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, आप डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर भी ये फेस वॉश यूज कर सकते हो, काफी अच्छी है। तो इससे मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, अभी आप फेस को बिल्कुल ड्राई कर लो। देखिये पाउडर जो होती है ना, हेयर आइडेंटिफायर पाउडर, एक स्प्रे मिलता है जिससे आप स्प्रे करो फेस पर तो एक एक बाल आपकी दिखती है। तो अभी वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, मैं बस अब कोई भी बेबी पाउडर ले सकते हो, टैल्कम पाउडर ले सकते हो, मैं फेस की ही पाउडर यूज कर रही हूँ, लूज पाउडर। तो लूज पाउडर जो मेरे पास अभी अवेलेबल है रिवोल्यूशन का, मेकअप रिवोल्यूशन का ये बनाना पाउडर, आई नो थोड़ी सी ये महंगी है बट थोड़ा सा ज्यादा क्वान्टिटी में पूरी फेस पर मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। पाउडर से क्या होता है, आपकी अगेन मतलब ब्लेड जो है ना काफ़ी अच्छी से ग्लाइड भी होती है एंड आपको छोटा छोटा हर एक बाल अच्छी से दिखती है और शेविंग करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ भी आपको लगेगी। तो मैंने पूरी फेस पर इसे अप्लाई कर लिया, अभी इट्स टाइम फॉर शेविंग। नाउ मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मेरी जो अपर लिप है एंड लोअर लिप की फेस को ही रिमूव करती हूँ रेगुलर बेसिस पर, शेविंग करती हूँ, और बाकी जो पूरी फेस की हेयर है ना ये मैं रेगुलर मतलब उतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी फेस पर उतनी ज़्यादा हेयर नहीं है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में देखूँ, मतलब मंथली एक बार, 2 महीने में एक बार ही मैं पूरी फेस की जो फेशियल हेयर है उसे शेविंग करती हूँ। नाउ इस डायरेक्शन में आपको ऊपर से नीचे तक इस डायरेक्शन में फेशियल हेयर को रिमूव करते जाना है। आई होप आपको क्लियरली दिख रही है कितनी अच्छी से ये जो मेरी फेशियल हेयर है ये रिमूव हो रही है। बाय द वे ये जो ब्लेड है, ये आप जो ब्रांड्स हैं मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप उसी ब्रांड्स का लेना, काफ़ी अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। कोई भी 50-20 रुपीस में मिलने वाला ब्लेड यूज़ मत करना, उससे उतनी अच्छी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आप अपर लिप, फोरहेड, जहाँ पर भी आपकी फेशियल हेयर है इस डायरेक्शन में आप अच्छी से फेशियल हेयर को रिमूव कर लो एंड आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी से फेशियल हेयर रिमूव हो रही है। इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लो, वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, मॉइस्चराइजर लेके पूरी फेस को हल्की हाथों से 2-3 मिनट मसाज कर लो एंड दैट्स इट फॉर योर फेशियल हेयर रिमूविंग बाय शेविंग। ओके, तो शेविंग आप इस तरह से कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब कर सकते हो। एंड जो मिथ है, जो कन्फ्यूजन है आपकी कि बॉयज़ की तरह बाल आते हैं मोटे मोटे काले काले, वैसा कुछ नहीं होता है। बेफिक्र होकर शेविंग करो एंड अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट शेविंग जो होते हैं ना बेस्ट होती है आपकी फेशियल हेयर को रिमूव करने में, क्योंकि शेविंग के साथ साथ आपकी जो डेड सेल्स है वो भी रिमूव हो जाती है, स्किन काफ़ी क्लीन भी हो जाती है। सो आपके बाद जब भी फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहो, शेविंग करना चाहो, बेफिक्र होके कर सकते हो। एंड जो भी प्रोडक्ट्स है मैंने यूज़ किया है, सारी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अमेजोन पे सेल चल रही है तो अगर आप प्रोडक्ट्स बाई करो अभी, आपको काफ़ी सारी पैसों की बचत भी हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।